हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 3, ग्रामीण समुदाय अर्थ एवं विशेषताएँ। ग्रामीण समुदाय की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी में रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी द लिटिल कम्युनिटी द लिटिल कम्युनिटी द लिटिल कम्युनिटी में इस शब्द का प्रयोग किया, ग्रामीण समुदाय शब्द का प्रयोग किया, और उनके अनुसार सभी मानव समुदायों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है लघु समुदाय। इनके अनुसार पहला समुदाय जो बनता है वह है लघु समुदाय। लघु समुदाय, व्हाट इज लघु समुदाय? क्या है लघु समुदाय? रेडफील्ड के अनुसार जो आकार में छोटा होने के साथ ही अपनी प्रकृति से बहुत सरल होता है। और उन्होंने लघु समुदाय की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है। उनके अनुसार लघुता, लघु समुदाय जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह छोटा होगा, यह समुदाय जो है आकार में छोटा होगा। और इसकी पहली विशेषता है कि इसमें लघुता पाई जाती, छोटा रूप पाया जाता, विशिष्टता, इनकी कोई विशेष बातें होती हैं, इनकी विशिष्ट पहचान होती है। और यह समरूपता, एक समान विचारधारा के लोग होते हैं। इनकी जो अगली पॉइंट जो बनती है वह है आत्मनिर्भरता। इनका आकार इतना छोटा होता है कि यह स्वयं में आत्मनिर्भर होते, यह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते बल्कि आत्मनिर्भर होते हैं। तो इनकी विशेषताओं में लघुता विशिष्टता विशिष्टता, समानता और आत्मनिर्भरता। और आत्मनिर्भरता, ये 4 चीजें लघुता, विशिष्टता, समानता और आत्मनिर्भरता लघु समुदाय में पाए जाते हैं। लघु समुदाय का प्रत्येक स्थान, इसमें कार्य का प्रत्येक स्थान सुनिश्चित होता है तथा समुदाय से बाहर के लोगों को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। इनका खान पान, वेशभूषा, विचारों, धर्म और विश्वासों और संस्कृति में एकता देखने को मिलती है। दूसरा आता है बृहद समुदाय। बृहद समुदाय, रेडफील्ड ने 3 समुदाय बताया जिसमें दूसरा है बृहद समुदाय। व्यवहारिक रूप से जो आकार में बड़े होते हैं तथा विभिन्नतापूर्ण होता है, उसमें बड़े आकार में भी बड़े हैं और वो विभिन्नतापूर्ण भी हैं।
यह नगरी समुदाय इसका सबसे उदाहरण है। इसमें जैसे आप लिख सकते हैं नगरी समुदाय, जैसे नगरी समुदाय। नगरी समुदाय जैसा कि आप जानते हैं कि नगरों में प्रायः विभिन्न जाति धर्म वर्ण के लोग एक साथ निवास करते हैं। इनका खान पान अलग होता है, इनकी वेशभूषा अलग होती है, इनकी भाषाएं अलग होती हैं, इनका रहन सहन अलग होता है और इनका जीवन ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा, लघु समुदाय की अपेक्षा उच्च होता है। ये मैकाइवर पेज ने लिखा, ग्रामीण समुदाय जीवन की एक विशेष विधि है जिस समुदाय में अधिकांश व्यक्ति खेती या उससे जुड़े हुए व्यवसाय के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं और प्राथमिक व परंपरागत संबंधों से बंधे हुए होते हैं तथा जिनके बीच सामान्य और प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। ये परिभाषा मैकाइवर और पेज की है। मैकाइवर और पेज ने यह परिभाषा किनके संबंध में दी है? मैकाइवर और पेज ने यह परिभाषा कृषक समुदाय के संबंध में दिया है। कृषक जो तीसरा समुदाय आपका है, कृषक समुदाय, उसमें इन्होंने दिया। कृषक समुदाय जैसा कि मैकाइवर और पेज ने लिखा कि समुदाय ग्रामीण समुदाय की जीवन एक विशेष ग्रामीण समुदाय का जीवन एक विशेष विधि है जिस समुदाय में अधिकांश व्यक्ति खेती या उससे जुड़े हुए व्यवसाय के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं। किसान खेती करता है, विभिन्न प्रकार की फसलों को पैदा करता है और वह फसलों को पैदा करके स्वयं आत्मनिर्भर बनाता है और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता है। इनकी उगाई हुई फसलें जी नगरीय क्षेत्रों में या विदेशों को निर्यात की जाती हैं, भेजी जाती हैं और इन फसलों से लोगों का जीविकोपार्जन चलता है, क्षुधा पूर्ति होती है और इनका जीवन सिंपली जीवन लेकिन कठोरतम है, संघर्षमय है। यह काफ़ी संघर्षशील होते हैं और इस समुदाय ये फसलों को विक्रय करने के बाद जो भी धनोपार्जन होता है उससे आजीविका के अन्य साधनों को ये क्रय करते हैं, उससे अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। अगला आता है ग्रामीण समुदाय की प्रकृति। अगला पॉइंट ग्रामीण समुदाय की प्रकृति। ग्रामीण समुदाय की प्रकृति, इसमें जैसे आपका स्वभाव उसी तरह से ग्रामीण समुदाय का स्वभाव कैसा होता है, तो इनका पहला स्वभाव है कि ग्रामीण समुदाय में पहला जो होता है वह है मुख्य रूप से कि यहाँ पर कृषि मुख्य व्यवसाय है। नंबर एक कृषि मुख्य व्यवसाय। ग्रामीण समुदाय की पहली विशेषता है या पहली प्रकृति है कृषि, जो इनका मुख्य व्यवसाय है। यह अधिकांश व्यक्ति खेती या खेती से जुड़े व्यवसायों के द्वारा ही आजीविका उपार्जित करते हैं। दूसरा है छोटा आकार।
दूसरी इनकी प्रकृति होती है या विशेषता होता है छोटा आकार। छोटा आकार ये इनकी दूसरी प्रकृति है। साधारणतः गांव में रहने वाले अधिकांश व्यक्ति एक दूसरे के नातेदार होते हैं और यही कारण है कि एक बड़ी संख्या में गांव धर्म और जाति के आधार पर विभाजित होते हैं। साधारणतः एक गांव में लोगों की कृषि भूमि उनके मकान के आसपास ही स्थित होती है। फलस्वरूप एक गांव में उतने ही लोग रहते हैं जो अपनी खेती की समुचित देखरेख कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनमें परिवार में उतने लोग ही रहते हैं, बाकी लोग अस्थायी रूप से अन्य शहरों को पलायन कर जाते हैं। उतने व्यक्ति घर पर रहते हैं जो उस परिवार के जो खेत का साधन है या खेत है उसकी निराई गुड़ाई कटाई बुआई कर सकें, उतने ही परिवार गांव पर रहते हैं, इसलिए इनका आकार कितना होता है उनकी अपेक्षा छोटा होता है। अगला आता है प्राकृतिक पर्यावरण, तीसरा पॉइंट प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण ग्रामीण समुदाय का जीवन प्राकृतिक दशाओं से अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि हम गांव में रहते हैं। भारत भी गांव में रहता है, गांव में व्यवस्था, भारत की 70% जनसंख्या गांव में ही निवास करती है और गांव के लोग ज्यादातर प्रकृति से प्रभावित होते रहते हैं। फसल के लिए लोगों को वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता, भारतीय कृषि मानसून का जुआ कही जाती है। कभी बारिश तेज हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी बाढ़ आ जाएगा, कभी सूखा पड़ जाते हैं जिससे किसानों की फसलें कभी नष्ट हो जाती हैं, कभी जो अच्छी फसलें पैदा हो जाती हैं, कभी समय से बारिश हुई अच्छी फसल पैदा होगी, समय से बारिश नहीं हुई सूखा पड़ गया फसलें प्रभावित हो जाएंगी। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अगला आता है परिवार समाजीकरण का मुख्य आधार, चौथा पॉइंट परिवार समाजीकरण का मुख्य आधार। परिवार समाजीकरण का मुख्य आधार, बचपन से प्रौढ़ावस्था तक गांव में व्यक्ति का समाजीकरण करने में परिवार की अहम भूमिका होती। परिवार और नातेदारी समूहों से ही सभी लोग खेती के तरीकों, अपने रीति रिवाजों, व्यवहार के तरीकों, सांस्कृतिक विशेषताओं को सीखते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक बच्चा जब किसी परिवार में पैदा होता है तो वह परिवार में उठना बैठना बोलना संस्कृतियों को देखना विभिन्न प्रकार के उत्सवों त्योहारों को देखना और कृषि से संबंधित परिवार है तो खेती में किस प्रकार से श्रम किया जाता है, किस समय कौन सी फसलों की बुआई निराई गुड़ाई रुपाई होती है, ये सभी चीज़ें बच्चा उस परिवार से ही सीखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बालक का व्यक्ति का समाजीकरण पहले परिवार में ही होता है। अगला है सादा जीवन, सादा जीवन। सादा जीवन ग्रामीण जीवन की एक प्रमुख विशेषता है कि वह सादा और परंपरावादी होता है। परंपरावादी, हम परंपरागत रूप से त्योहारों को मनाते हैं, परंपरागत रूप से अपने उत्सव को मनाते हैं या
घर में जो भी कार्य होते हैं, उत्सव होता मनाया जाता है, उसे हम परंपरागत रूप से ही मनाते हैं। अगला आता है ग्रामीण समुदाय की प्रमुख समस्याएं। अगला पॉइंट,